हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग जो है हो चुकी है और सभी लोग उठ चुके हैं और अपने अपने काम में भी लग चुके हैं, तो हम भी उठ चुके हैं और देखते हैं अंजल अंदर क्या कर रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहा लिया? हाँ। खाना खा लिया? हाँ। अब ये क्या कर रहे हो? टूट जाएगी गाड़ी। अच्छा, कहाँ जा रहे हो घूमने? जा रहे हो कहीं? कहाँ जा रहे हो घूमने? मॉल आ रहे हैं। अच्छा, मॉल जा रहे हो घूमने? हाँ। क्या लाओगे वहाँ से? एक अलमारी ला। ओ अच्छा, अलमारी लाएगी। फ्रेंड, ये अलमारी के लिए बोल रही हैं। वहाँ पे जो है बच्चों वाली छोटी सी अलमारी रखी हुई थी, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन जो है उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा था। वो लगभग 7,000 के आसपास थी। लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर एंजल के लिए लाएंगे, एंजल के लिए सरप्राइज़ देंगे वो अलमारी। फिलहाल अभी तो नहीं, क्योंकि फ्रेंड अभी इतना बजट नहीं है कि मतलब इनके लिए इतना बड़ा जो है सरप्राइज़ ले आएँ। लेकिन एक दिन ज़रूर देंगे, आप सबके सपोर्ट की वजह से एक दिन ऐसा आएगा जब एंजल के लिए वो सरप्राइज़ हम पूरा करेंगे। क्यों एंजल? और जो है लेके आएंगे, क्योंकि अभी छोटे भी हैं, अभी यूज भी नहीं कर पाएंगे उसको, तो थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब तक बजट भी हो जाएगा। हो सकता है आप सबके सपोर्ट की वजह से यूट्यूब से भी अर्निंग होने लग जाए, तब एंजल को गिफ्ट देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज मेरा खाना भी बन चुका है, क्योंकि फ्रेंड जो है आज जल्दी बन गया था, सुबह ही बच्चे खा पी के मतलब स्कूल चले गए थे, तो आज जो है जल्दी खाना बन गया था। सारा काम भी हो चुका है घर का, बस अपने रूम में देखना है कि आज फिर से एंजल ने तो बिस्तर का कबाड़ा नहीं किया। तो आते हैं, देखते हैं। देखिए, वापस से सारा का सारा बेकार कर दिया कल की तरह। देखिए, अभी फिर से हमको इसको सही करना पड़ेगा। तो मेथी देना है नीचे, ढूंढ लेते हैं कहाँ रखी है मेथी। तो मिल गई हमारी मेथी, इस डिब्बे में भर के रख दिया था। दो कुछ दो उसमें, दे मेथी। बोलती हो, धीरे बोला करो। तो फ्रेंड, हमने मेथी निकाल ली है। लो मम्मी को देखे आओ नीचे हैं। यहाँ पे दोनों लोग हैं कि एंजल कह रही हम देने जाएंगे, ऋषि बोल रहे हम जाएंगे, कौन लेगा? मैं। तुम लो। किसको दोगी? किसको दोगी एंजल? मम्मी को देखे आओ ना नीचे। देखो, ऋषि को नहीं दिया तो रोने लग गया। ए ऋषि, रो नहीं ना, रोते नहीं। एंजल कह रहे हम जा रहे थे, तो ऋषि नहीं दिया तो वही रोए लग। जा देख क्या मम्मी ने। बच्चे हैं, बच्चे समझते नहीं है, बस अभी एंजल भी छोटी है वो भी, तो वो कह रहे थे कि हम जाएंगे देने, एंजल कह रही थी कि हम जाएंगे देने, उसी में गुस्सा हो गए और रोने लग गए। तो फ्रेंड, आज का भी मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और धूप भी निकली हुई है और आज हवा भी तेज़ नहीं चल रही है, तो बढ़िया लग रहा है। ठंडी बिल्कुल भी नहीं लग रही, बिल्कुल गर्मियों के जैसे दिन लग रहे हैं। तुमने रुला दिया ना ऋषि को? क्यों नहीं, नहीं रुलाया? दे देती तो नहीं रोता वो? नहीं। तुम गंदा बाबू है ना हमारे लिए। ये कंघे से क्या करो? बहुत शैतान है। कौन आया? देखो कौन आया बाहर। तो फ्रेंड, अभी चलते हैं थोड़ा सा बाहर और आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ जो है क्रिकेट हो रहा है। मतलब काफ़ी दूर दूर के बच्चे आए हैं, जो मतलब यहाँ पे कंपटीशन है वो खेल रहे हैं। तो चलते हैं, आपको वहाँ का भी ब्लॉग दिखाते हैं, सभी बच्चे खेल रहे हैं। पूरा बचरावा दिख रहा है। डिग्री कॉलेज दिख रहा है। अच्छा, मैच हो रहा है इधर। बहुत बड़ा है ना इधर डिग्री कॉलेज। ये डिग्री कॉलेज
यहाँ मैच हो रहा है। अच्छा यहाँ हो रहा है, यहाँ मैच हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है। कहाँ कहाँ गए लोग खेला? बाहर के सुबह से हो रहा है। इस पारी में पहली बार आज आप सामना करेंगे? बहुत घना है ना बछरावा। ये रायबरेली लखनऊ रोड है ना, हाईवे। तो फाइनली फ्रेंड हम वापस आ चुके हैं घर पे। जैसा कि देख रहे हो एंजल भी पास में खड़ी हुई है, पागल लड़की। तो फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा थका लग गया था, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। एंजल भी कर ले वे, क्यों क्या बोल रहे हो? पता नहीं क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा और क्या बोलोगे? देखो सब लोग देख रहे हैं ना तुम्हें, और भी कुछ बोलो। अच्छा अच्छा टीवी में क्या बोल रहा था उस दिन? कुछ बोल रहा था। अच्छे से बोल के बताओ। I love you. अच्छा ये बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? तो फ्रेंड आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले ब्लॉग वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। और पीछे हमारे ऋषि खड़ा हुआ है, क्यों ऋषि? बाय फ्रेंड्स।